बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नागालैंड के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। सुबह करीब 11:30 बजे कोहिमा में रैली करेंगे और दोपहर 1:30 बजे संकल्प पत्र जारी करेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे जेपी नड्डा शिलोंग में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं और शाम को वो शिलोंग में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। तो 1:30 बजे आज कोहिमा में रैली करेंगे, उसके बाद संकल्प पत्र जारी करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस बीच भूकंप से तबाह तुर्की में लोगों की राहत पहुंचाने में जुटे इसराइल के यूनाइटेड हत्सला नाम की संस्था ने काम रोक दिया। तुर्की की मदद के काम में लगे इस संगठन के लोगों को बीच में ही इसराइल वापस बुला लिया गया, क्योंकि यूनाइटेड हत्सला नाम के संगठन के लोगों को अपनी जान पर खतरा दिखने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि भूकंप से बर्बाद हुए तुर्की से वो कभी वापस इसराइल नहीं जा पाएंगे। जबकि 6 फरवरी को तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इस संगठन के 24 से ज्यादा लोग तेजी से वहां पहुंच गए थे और तुरंत वो मलबा हटाने के साथ साथ घायलों की मदद में भी जुट गए थे। तुर्की की तबाही इतनी बड़ी थी कि उसे मिली छोटी से छोटी मदद भी वहां कई लोगों की जान बचा सकती थी। इसी वजह से यूनाइटेड हत्सला ने आनन फानन में अपने 24 से ज्यादा लोग तुर्की रवाना कर दिए। लेकिन अब तुर्की से जो खबर आई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यूनाइटेड हत्सला संस्था के मुताबिक उसने तुर्की में मदद कर रही अपनी टीम के लोगों को वापस बुला लिया, क्योंकि वो तुर्की के ऐसे इलाके में काम कर रहे थे जहां उन पर हमले का खतरा मंडराने लगा था। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की का ये हिस्सा सीरिया की सीमा के पास था और सीरिया में ही चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अपना ठिकाना बना रखा है, जो ईरान से मिले हथियारों की मदद से इसराइल के लिए मुसीबत बन गए हैं और इसी वजह से इसराइल सीरिया पर हवाई हमले करता रहता है। खबर है कि तुर्की पहुंची इसराइल की यूनाइटेड हत्सला संस्था की टीम के सदस्यों को भी हिजबुल्ला के लड़ाकों का डर सताने लगा था, जिसके बाद उन्होंने अपने मदद के काम को बीच में रोक दिया और इसराइल लौट गए। इससे पहले सुरक्षा का हवाला देकर ऑस्ट्रिया की सेना के जवान और जर्मनी की राहत बचाव की एक टीम भी तुर्की से चली गई थी। तुर्की की मदद के लिए दुनिया भर से लोग मदद कर रहे हैं। लंदन से लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए पहुंचे हैं। तुर्की को कई देशों से मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्यक्तिगत तौर पर दूसरे देशों से तुर्की के लोगों की मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियांतेप के नूरदागी में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मलबा है उसको हटाने का काम चल रहा है और कितना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है वो तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी भी कुछ रेस्क्यू टीम आपको मलबे के इस पहाड़ पर नजर आएंगी, जिसमें से NDRF भी आपको दिखाई देगी। लेकिन जो लोग व्यक्तिगत तौर पर तुर्की के लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, जितना बन पड़ता है उतना करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है।